गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा न्यूज़ पॉडकास्ट। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। सो जो भी मेरे चैनल पे आज आप नए आए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, चूंकि फेस्टिवल का सीजन है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्शिप मटेरियल, यानी कि पूजा से संबंधित वर्ड्स, यानी कि जो पूजा हम लोग घर में करवाते हैं उसमें जो आइटम यूज होते हैं उससे संबंधित वर्ड सीखने वाले हैं इंग्लिश में, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले देखेंगे, हमारा पहला वर्ड है फ्रेंड्स, अर्दर लैंप। अर्दर लैंप का मतलब होता है मिट्टी के दिए, जो मिट्टी से दिए बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अर्दर लैंप। तो उसको बोलते हैं मिट्टी का दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉटन। कॉटन का मतलब होता है रुई, आपको पता होगा, तो कॉटन को बोलते हैं रुई। नेक्स्ट हमारा थर्ड वर्ड है कॉटन वीक। जब हम दिया में बाती लगाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन वीक। क्या बोलते हैं? कॉटन वीक, यस। तो बोलते हैं रुई की बाती, बोल सकते हैं रुई की बाती। हमारा अगला जो वर्ड है वो है इंसेंस या जॉस स्टिक। इंसेंस या जॉस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती। आपने जरूर पूजा में अगरबत्ती का यूज किया होगा, तो अब आपको यूज कर सकते हो जॉस स्टिक का। चलिए, तो इसको बोलते हैं अगरबत्ती। क्या बोलते हैं? अगरबत्ती। हमारा जो अगला वर्ड है वो है सेंसर। सेंसर का मतलब धूपदानी। आपने देखा होगा घर में, आपके सभी घर में, खास करके हिंदू धर्म में जो होती है वो धूपदानी होती ही है, तो सेंसर का मतलब होता है धूपदानी। चलिए, नेक्स्ट है आपका मैच। मैच शायद ये कैसा किसी घर होगा जहां पे मैच यानी कि सलाई की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, चाहे वो किचन में हो, चाहे कुछ जलाना हो, तो आपको यानी मैच यानी कि सलाई की जरूरत पड़ती है, मैच बॉक्स की। तो बोलते हैं जिसमें मैच बॉक्स का मतलब होता है सलाई। मैच बॉक्स का क्या मतलब होता है? सलाई। और जो सलाई के अंदर जो स्टिक होती है जिसको हम जलाते हैं तीली को, यानी सलाई की तीली, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैच स्टिक। क्या कहते हैं? मैच स्टिक कहते हैं, यानी कि सलाई की तीली। क्या बोलते हैं? सलाई की तीली बोलते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट का मतलब होता है पूजा की थाली, जिसमें हम लोग पूजा के सामान को सजा के मंदिर ले आते हैं या घर में हम लोग पूजा करते हैं, सो उसे कहा जाता है वर्शिप प्लेट। क्या बोलते हैं? वर्शिप प्लेट, यानी कि पूजा की थाली। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा अगला वर्ड है ब्रास बेल। ब्रास बेल का मतलब होता है पीतल की घंटी, जो हम लोग पूजा करने के दौरान घंटी बजाते हैं, अपने देवी देवताओं को दिखाते हैं, उसे बोलते हैं ब्रास बेल, यानी कि पीतल की घंटी होती है छोटी वाली। चलिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, सैंडलवुड। सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन की लकड़ी, जिसे लिखा हुआ बच्चे लोग देखिए, चंदन। सैंडलवुड का मतलब चंदन की लकड़ी का भी पूजा पाठ में यूज किया जाता है, पंडित जी बोलते हैं लाने के लिए। हमारा अगला वर्ड है काउडंग। काउडंग का मतलब होता है गोबर। बहुत बार पूजा में भी काउडंग गोबर को शुद्ध माना जाता है, प्योर माना जाता है, तो गोबर का भी यूज किया जाता है पूजा पाठ में। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउ डंग केक। काउ डंग केक हमारे बिहार में उसे बोला जाता है गोईठा या उपला। आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं, कमेंट करेंगे। इस गोईठा को क्या बोलते हैं आप लोग? गाँव गाय के गोबर से बने हुए उपले को आप लोग क्या बोलते हैं अपने एरिया में, आपके एरिया में क्या बोला जाता है, उसे कमेंट करेंगे मुझे। तो हमारे इधर तो बोला जाता है काउ डंग केक, यानी कि गोईठा बोलते हैं, या बोल सकते हैं उपला बोला जाता है। आपके इलाके में क्या बोलते हैं, कमेंट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, तो गोईठा का भी जला यूज होता है पूजा पाठ में जलाने के लिए, धुना जलाने के लिए। नेक्स्ट है आपका 13, बीटल नट का मतलब था सुपारी। सुपारी का यूज होता ही होता है पूजा में, तो आप इसको लिख सकते हैं सुपारी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है अच्छे हमारा, क्या है? बीटल लिप्स। क्या है? बीटल लिप्स का मतलब होता है पान का पत्ता। पान के पत्ते
पान के पत्ते बहुत बार हमेशा आप देखोगे, शायद ही किसी पूजा में पान के पत्ते का यूज ना हुआ हो। पंडित जी बोलते हैं, लिखाते हैं, हम लोगों को जब लिस्ट बनाते हैं तो पान के पत्ते का भी जिक्र होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्लेरिफाइड बटर यानी कि घी। घी का भी यूज होता है पूजा में बहुत मात्रा में, तो चाहे प्रसाद बनाने के लिए हो, चाहे दीपक जलाने के लिए हो, तो घी का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बैसिलिस्क। बैसिलिस्क का मतलब होता है फ्रेंड्स तुलसी के पत्ते को बोलते हैं बैसिलिस्क। क्या बोलते हैं? बैसिलिस्क। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मैंगो लिप्स। आम के पत्ते का भी यूज होता है पूजा में, आम के पत्ते यानी कि मैंगो लिप्स। हमारा अगला वर्ड है बनाना लिप्स। बनाना लिप्स का मतलब होता है, आपको पता ही है, केले के पत्ते का भी बहुत बार जो है पूजा पाठ में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क। कॉन्क उसको क्या पढ़ेंगे? CONCH। कॉन्क, कॉन्क का मतलब था शंख। आपने देखा होगा पंडित या पुजारी को बजाते हुए उसे बोलते हैं शंख। क्या बोलते हैं? शंख बोलते हैं। हमारा जो 20th वर्ड है, अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, वो है हॉली वाटर। हॉली वाटर का मतलब होता है गंगा जल या प्योर वाटर, यानी हॉली वाटर गंगा जल को बोला जाता है, लिख सकते हैं गंगा जल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अर्न या वेश। अर्न या वेश का मतलब था कलश। कलश का यूज होता है पूजा में, तो हम बोल सकते हैं अर्न या वेश। हमारा अगला वर्ड है कॉम्फिट। कॉम्फिट का मतलब होता है इलायची दाना। आपने बहुत बार खुद चढ़ाया हुआ प्रसाद के रूप में, और इसका भी यूज होता है पूजा पाठ में, तो कॉम्फिट का मतलब हो गया इलायची दाना। हमारा अगला वर्ड है ऑफरी या ड्रेस फूड को बोलते हैं प्रसाद। क्या बोलते हैं? ड्रेस फूड या ऑफरी इन चढ़ावा को बोला जाता है प्रसाद, जो कि हम गॉड को चढ़ाते हैं। कोकोनट यानी कि नारियल, इसका भी यूज होता है पूजा पाठ में, नारियल। नेक्स्ट वर्ड है स्टेच्यू या आइडल। स्टेच्यू या आइडल का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब था प्रतिमा या मूर्ति। अभी दुर्गा पूजा का टाइम है तो आप लोग देख रहे होंगे अच्छे अच्छे पंडाल में अच्छी अच्छी बहुत सारी अच्छी प्रतिमा बनाई गई है, प्रतिमा या मूर्ति। तो आपके शहर में सबसे अच्छा पंडाल कहाँ पे बना हुआ है ये आप कमेंट करेंगे, ताकि हम लोग जान सकेंगे कि आपके शहर में कहाँ कहाँ बेहतरीन पंडाल बनाए गए हैं इस दुर्गा पूजा में। चलिए हमारा अगला वर्ड है स्क्रच घास का मतलब होता है दुर्वा घास। घास का भी यूज होता है पूजा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस। एस का मतलब होता है राख। राख का भी यूज किया जाता है जब वो जल जाता है हवन में, उसके बाद जो राख बचता है उसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइडेंट का मतलब त्रिशूल। क्या होता है? ट्राइडेंट का मतलब त्रिशूल होता है, कभी कभी छोटे त्रिशूल का भी यूज किया जाता है पूजा पाठ में। नेक्स्ट है आपका कर्ण। कर्ण का मतलब दही। दही का यूज होता है चंदन लगाने के लिए, टीका लगाने के लिए दही का यूज करते हैं हम लोग। हमारा अगला वर्ड है कैम्फोर। कैम्फोर का मतलब होता है कपूर। कपूर का भी यूज होता है जब आरती दिखाते हैं तो कपूर का यूज करते हैं हम लोग, तो कैम्फोर का मतलब कपूर होता है। और स्मॉल मैंडला ऑफ रेड कलर यानी कि चुनरी, हम लोग माता रानी को चुनरी चढ़ाते हैं, तो आप बोल सकते हैं चुनरी को चुनरी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं स्मॉल मैंडला ऑफ रेड कलर यानी कि चुनरी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है फॉक्स नट यानी मखाना। प्रसाद के रूप में मखाना का भी चढ़ाया जाता है, मखाना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है पफ्ड राइस यानी कि लावा। लावा का भी यूज होता है पूजा पाठ में, लावा। नेक्स्ट है आपका वर्ड है होमा स्टिक्स यानी कि होम की लकड़ी। हम जो होम करते हैं होम की लकड़ी उसको बोलते हैं होमा स्टिक, होम की लकड़ी। चलिए वेरी गुड, तो आप फटाफट नोट डाउन भी करते जा सकते हैं या फिर अंतिम में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सैक्रेड ट्री। सैक्रेड ट्री का मतलब होता है जनऊ। क्या होता है? जनऊ या पवित्र धागा। जनऊ या पवित्र धागा बोलते हैं सैक्रेड ट्री। ट्री का मतलब धागा होता है, सैक्रेड ट्री। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार्ली। बार्ली का जौ। जौ का भी यूज होता है पूजा में। हमारा अंतिम वर्ड नेक्स्ट वर्ड है सुगर कैंडी। सुगर कैंडी का मतलब बतासा होता है, बतासे का भी यूज होता है पूजा पाठ में, तो सुगर कैंडी है मिश्री कंद बोल सकते हैं इसको, मिश्री कंद भी बोला जाता है सुगर एंड बतासा। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑस्पिशियस टाइम। देखिए जब पूजा का एक शुभ मुहूर्त होता है, अभी आपका दुर्गा पूजा का टाइम है,
तो ऑस्पिशियस टाइम है कि शुभ घड़ी में पूजा कब स्टार्ट की जाएगी, तो ये पंडित जी हमें बताते हैं या घटना देख करके। तो ऑस्पिशियस टाइम का होता है शुभ घड़ी या शादी मुहूर्त, शादी का भी मुहूर्त होता है शुभ घड़ी या शुभ मुहूर्त बोल सकते हैं, कब सही समय है पूजा करने का। नेक्स्ट है आपका फायर पिट अल्टार, और अंतिम में जब पूजा खत्म होने पर रहती है तो पंडित जी क्या कराते हैं, हवन करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं हवन कुंड। क्या बोलेंगे, हवन कुंड बोलते हैं, फायर अल्टार या फिर फायर पिट। और हमारा अंतिम और आखिरी वर्ड है जो पंडित यानी पुजारी होते हैं उसे हम बोलते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं उसे बोलते हैं प्रिस्ट। तो प्रिस्ट का मतलब हो गया पुजारी या आप बोल सकते हो पंडित। तो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो उसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है फ्रेंड्स, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच फैमिली के बीच जरूर शेयर करें, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।